गढ़चिरौली में C-64 द्वारा 3 नक्सलियों के एनकाउंटर किए जाने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समाधान व्यक्त करते हुए पुलिस का अभिनंदन किया है। साथ ही राज्य भर में जो 500 हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना स्थापित किए जाने वाले हैं, उनमें से आज ही 300 का उद्घाटन किए जाने की जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही कहा है कि राज्य के आम नागरिकों को इसका बड़े पैमाने पर लाभ होने वाला है। मुझे ये बताते हुए बहुत समाधान है कि हमारे C-64 ने गढ़चिरौली में कल एनकाउंटर में 3 नक्सल समर्थकों को, माओइस्ट को वहाँ पर मार गिराया है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कई लोगों की जान भी ली थी और बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने वाले, जिनके माथे पर पुरस्कार भी रखा हुआ था, ऐसे ये लोग थे जिनको कल एनकाउंटर किया गया है। मैं हमारे पुलिस का अभिनंदन करता हूँ। आपण आपल्या बजेटमध्ये घोषित केलं होतं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 500 आपला दवाखाना, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आम्ही सुरू करू। आज त्यातले साधारण 300 जास्त दवाखाने आजच सुरू होत आहेत। या दवाखान्यांमध्ये 30 टेस्ट या मोफत केल्या जाणार आहेत, औषधी मोफत दिली जाणार आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची कन्सल्टन्सी त्या ठिकाणी मोफत दिली जाणार आहे, त्यामुळे राज्यातल्या सामान्य माणसाला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे। आज मुंबईवरनं आपले मुख्यमंत्री त्याचं उद्घाटन करतील, मी स्वतः नागपूर जिल्ह्यामध्ये त्याच्या उद्घाटनात उपस्थित राहणार। उद्धव ठाकरे।